नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। हाय सर। हाय। नमस्ते। नमस्ते। आपके नाम क्या है? सर मेरा नाम साउंड रैन एक्टर है सर। अरे वाह। कहाँ से हो आप सर? जी सर मैं बिहार से आया हूँ सर। आप क्या करते हैं? जी सर मैं अब काम के बारे में क्या बताऊँ सर। क्या बताएं सर अपनी मजबूरी सर, मेरा किस्मत में लिखा ही है सर कुछ और। मैं सर एक छोटा सा गांव के रहने वाला हूं सर। मेरे पिताजी किसान खेतों में काम करते हैं सर, और मैं बकरी चराया करता था सर। लेकिन सर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की बहुत सुंदर थी सर। वह लड़की बोली कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ सर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था इसलिए सर कि मैं एक छोटा सा फैमिली से जुड़ा हूँ सर, और मैं बकरी चराया करता था सर, और इसलिए लड़की से मुझे प्यार हो गया, और धीरे धीरे प्यार होते गया बढ़ते गया सर। लेकिन एक रोज़ सर उसका भाई का मालूम चला कि यह एक लड़का से प्यार करता है। तो वह उसका भाई आया सर, मेरे पिताजी को सर बहुत मारा सर, और मेरे पिताजी को सर मारते मारते क्या करे सर, वह सर मेरे पिताजी को मार डाला सर, मर गए सर। और सर मैं जब सुना तो यह सुनकर सर मुझे से रहा नहीं गया सर। एक रोज़ मैं भी गया सर, उसे मार डाला सर। जब वह मार डाला तो पुलिस आया सर, मुझे पकड़ कर जेल ले गया सर। जब जेल ले गया तो मैंने उस जेल के अंदर में कुछ गाना गुनगुनाते थे और गाते थे। तो एक आदमी बोला था एक बार, जब मैं बकरी चराया करता था सर, तो उस वक्त एक आदमी बोला था, अरे भाई तुम्हारा इतना अच्छा आवाज़ है, तुम इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाते हो? तुम जाओ, तुम्हारा मौका मिलेगा। यह मिडिल लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैंने सर यह बात मुझे याद आया सर, तो मैंने सर जेल से भाग कर सर मैं आप लोगों के कदमों के नीचे आया हूँ सर। मेरी कहानी सर बहुत बहुत गहरा है सर। मैं आप लोग बीच आया हूँ सर, प्लीज़ मैं गाना गाने जा रहा हूँ सर। इस गाने को सर आप लोग प्लीज़ सुनिए सर, और मेरा एक एक व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है सर। प्लीज़ सर भाई लोग आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा, और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया ज़रूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। आपका जो सपना है अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना, और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने? आज मैं इतना दर्द भरा गाना गाने वाला हूँ सर कि जो सुनेंगे वो भी रो पड़ेंगे सर। इस गाने को सुनकर पूरा हिंदुस्तान रोएगा सर, आप लोग भी सर रोना आ जाएगा सर, प्लीज सर। चलिए जरूर सुनते। Come on brother, good luck. कितनी मोहब्बत
मेरे दिल में कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। कैसी चली अब के हवा तेरे शहर में, कैसी चली अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में, शहर का शहर है कातिल को बचाने वाला, शहर का शहर है कातिल को बचाने वाला, और कोई यहाँ नाम नहीं कातिल का बताने वाला। मैं तो हर गम को सीने से लगाने वाला, मैं तो हर गम को सीने से लगाने वाला, लेकिन दोस्त ही न मिला कोई दिल को दुखाने वाला। आपके शहर के मौसम को लेके एक शेर पढ़ रहा हूं,
तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। परवेश भाई आपके शहर के लिए कह रहा हूं, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। और मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो, जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो। देखिए सुकून से डूबना आपको मैं गा के बताता हूं कैसे डूबा जाता है सुकून से। जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो के आस पास के लहरों को भी पता न लगे, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुमसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर के तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर के तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मैंने सोचा था कि अब साथ न छूटेगा कभी, मेरे महबूब तेरा हाथ न छूटेगा कभी, लेकिन अफसोस कि तू डर गया नाकामी से, अपनी रुसवाई की और प्यार की बदनामी से। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले, आज इजहार ख्यालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर आए हैं मुसाफिर के तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर के तरह।
ये मेरे लिए बड़ी ही, मैंने जैसा कहा आप लोगों की, बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है। और राजू भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस गजल की फरमाइश के लिए। यहाँ पे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह से, मेरा मतलब है कि तक्कूशा बाबा दरबार के शहर में आए हैं और कल जाना भी है यहाँ से। लेकिन मुझे पता है कि कहते हैं ना कि उसके दरबार में जो भी आता है झोलियाँ भरता है, खाली नहीं जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं एक साल के बाद आप लोगों को ये ज़रूर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताऊंगा कि मैंने इस साल भर में जो इनके कर्म से जो तरक्की की है वो आप लोगों को मैं एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा। तो चंद शेर मैं बाबा के लिए पढ़ना चाहूंगा। न घर चाहिए न संसार चाहिए, मुझको तक्कूशा बाबा तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए। नैन बिछाए कब से खड़ा हूं बाबा तेरे दरबार में आके पड़ा हूं। प्यासी है अखियां दीदार चाहिए, तक्कूशा बाबा मुझको तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए। तेरी दया बाबा अगर मिल जाए जीवन की बगिया खिल जाए। तेरी दया बाबा घर मिल जाए, तेरी दया बाबा घर मिल जाए, जीवन की बगिया खिल जाए। उजड़े चमन में बहार चाहिए, तक्कूशा बाबा मुझको तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए। तो कहना है कि भूल ना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके। आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके, आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके, एक सांस रह गई है वो भी टूट जाए। लो आ गई उनकी याद वो। आपकी परफॉर्मेंस में हर वो कठिनाई सुनाई दी जिसने आपको ताकत दी है। एक लड़की में, एक इतने कम उम्र की लड़की में इतना हिम्मत है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। Extraordinary. जब भी ये गाना कोई गाता है तो मुझे, मेरे भाई की याद आ जाती। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है,
कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।